देखिए सीएम साहब, अच्छा बताइए, राज्य सरकार के इस गठबंधन के सरकार बनने के बाद कौन सा कैबिनेट महत्वपूर्ण नहीं रहा? हर कैबिनेट ऐतिहासिक होता है, और खास तौर पर तो इस राज्य के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, सबके लिए। लेकिन आज गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, वैसे तो कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, उनमें से मुख्य रूप से आज जो वंचित गरीब जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, अब उन गरीबों को राज्य सरकार अपने मद से अब वो आवास का योजना प्रारंभ कर आवास देने का काम करेगी। बल्कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास जो उपलब्ध होता था उससे बड़ा आवास मिलेगा, उससे जो पहले आवास बनता था उससे अधिक रुपयों में बनेगा, और एक स्वाभाविक मान जीवन व्यतीत करने में लोग निश्चित रूप से गौरव महसूस करेंगे। क्योंकि आप सबको मालूम है कि झारखंड एक गरीब राज्य है, यहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत है, और कई तो दो वक्त का अनाज भी नहीं जुटा पाते। सरकार उसको अनाज भी उपलब्ध करा रही है, अब आवास भी उपलब्ध कराएगी। जिसको कहते हैं ना, एक आम व्यक्ति की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, कपड़े भी गरीबों को दे रही है, अब बेहतर मकान बना करके भी सरकार ने देने का निर्णय बना लिया। लगभग 15,000 से अधिक करोड़ रुपए का लागत गरीबों को आवास देने में लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी हम लोगों ने आज स्वीकृति प्रदान दी है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक, लगभग 30% राज्य की जनता को इसमें बिना पैसे का सफर करने का मौका मिलेगा, जिसमें वृद्धजन हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको, महिलाएं हैं, सभी विद्यार्थी हैं, इस तरीके से अब गांव के अंदर में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आवागमन की अभी भी बहुत कमी देखने को मिलती है, और इस योजना के तहत गांव के बच्चे, गांव के किसान, महिलाएं को शहर या अपने गंतव्य स्थान तक जाने में काफी मदद मिली। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।